नमस्कार जय जगन्नाथ। आज फेब्रुआरी 6 तारीख मंगलवार। तेरे चलतु फटाफट देश विदेश बड़ खबर उपर नजर पकाइबा, किंतु ता पूर्वर जदि आपण ए पर्यंत वीडियो को लाइक करना तेरे तुरंत वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करनी, एवं आपण ए वीडियो को क्यों जिल्लारु देखुछंती कमेंट माध्यम आमको निश्चय जनातु। राज्यपालों अभिभाषण से सफलतार गोलापी चित्र, प्रतिवादरे कक्षत्याग कले कांग्रेस विधायक। सोमवार ठू आरंभ होइछि 16 विधानसभा शेष अधिवेशन। प्रथम दिन में राज्य सरकार सफलता और उपलब्धि बखाणी राज्यपाल रघुवर दास। राज्यपाल भावे एहा प्रथम अभिभाषण। प्राय 2 घंटा धरी विकासर गोलापी चित्र आंकी रघुवर दास। 800 कोटी टंका व्यय श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्प को भूरी भूरी प्रशंसा करिसेंति राज्यपाल। सेहिपरि 200 कोटी टंकार समलै प्रकल्प को प्रशंसा करिबा सह लिंगराज मंदिर चारिपाखर उन्नतीकरण कार्य चलीथिबा कहिसेंति राज्यपाल। सरकारक सफलता नै राज्यपाल अभिभाषण रे जहां कहिसेंति तार प्रतिवाद करि कांग्रेस विधायक कक्षत्याग करिथिले। अन्यपटे आसंता 8 तारिख रे कामचला बजेट स्थापन करिबे अर्थमंत्री विक्रम केसरी आरुख। पुरी हेब विश्व ऐतिह्य सहर, 1200 कोटी टंकार प्रकल्पर सूचना देले पांड्यान। पुरी जिला सारा राज्यर हेब अर्थनैतिक मेरुदंड, विश्वर ऐतिह्य सहर हेब पुरी। पुरी सहर को बाद देई पुरी जिला पई 1200 कोटी टंका खर्च होउछि। लक्ष्य पूरण लागि आहुरी लंबा बाट जिबार अछि बोली कहिसेंति 5T अध्यक्ष कार्तिक पांड्यान। पुरी तालबणी ठारे साधारण सभा रे जोगदबा अवसर रे एही कथा कहिसेंति 5T अध्यक्ष कार्तिक पांड्यान। पुरी रे आंतरजातिक विमान बंदर हेब, राजधानी भुवनेश्वर रु पुरी पर्यंत 8 लेन विशिष्ट रास्ता हेब, कटक पुरी भुवनेश्वर मेट्रो ट्रेन पुरी पर्यंत संप्रसारण हेब। 500 वर्ष धरी जेउ काम होइनथिला ताहा 3 वर्ष मध्यरे मुख्यमंत्री करि देखाइछन्ति बोली 5T अध्यक्ष कार्तिक पांड्यान कहिसेंति। 10 कोटी कृषकों पर आसुच एक बड़ उपहार, लोकसभा निर्वाचन पूर्व मोदी सरकार करे बड़ घोषणा। आगक आसुची लोकसभा निर्वाचन, ता पूर्व नुआ वर्ष रे मोदी सरकार देशर गरीब और कृषक को एक बड़ उपहार दे पारती। आसंता एप्रिल मे मस रे देशरे साधारण निर्वाचन होगा जाता बेले पूर्व केन्द्र सरकार पीएम किसान योजनार हिताधिकारी एक बड़ घोषणा करिपारती। सूचना मुताबक मोदी सरकार कृषकों अकाउंट को एथर 6000 बदल 8000 टंका ट्रांसफर करिपारती। खूब शीघ्र पीएम किसान योजनार अर्थराशि वृद्धि होवार संभावना रही। पूर्वर हिताधिकारी 3टी किस्ती में वर्षको मोट 6000 टंका मिलुथिबा बेले नुआ घोषणा हेले हिताधिकारी वर्षको 8000 टंकार अर्थराशि मिल। आसंता फेब्रुआरी रु मार्च मध्य केन्द्र सरकार पीएम किसान योजनार 16तम किस्ती को जारी करते तेरे एने केन्द्र सरकार पक्ष कौन विज्ञप्ति प्रकाश पाईना। बजेट अधिवेशन, प्रति परिवार को 5 लक्ष एवं महिला सदस्य को अतिरिक्त 5 लक्ष वार्षिक चिकित्सा सहायता। मो सरकार प्रति परिवार को 5 लक्ष एवं महिला सदस्य को अतिरिक्त 5 लक्ष वार्षिक चिकित्सा सहायता सहित लोकों जटिल रोगर उपचार और चिकित्सापी 156टी घर हस्पिटाल समेत 796टी हस्पिटाल को अनुबंधित करिसेंति। विजु स्वास्थ्य कल्याण योजनार सुफल ओडिशार 96,50,000 परिवार 3.5 कोटी लोकों पाखे पहुंची पारी। 2021 सेप्टेम्बर पहलू विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना स्मार्ट कार्ड शुभारंभ पर 17,64,000 रु अधिक हिताधिकारी 3,958 कोटी टंकार चिकित्सा सहायता पाई बोली राज्यपाल कहते। BSKY नवीन कार्ड पाई परिवार राज्य तथा राज्य बाहर अनुबंधित घर गुरुतर रोगर चिकित्सापी परिवार पिछा वार्षिक 5 लक्ष टंका और परिवार महिला सदस्य अतिरिक्त 5 लक्ष टंकार चिकित्सा सहायता पाई बोली से कहते। 2027 शेष सुधा शेष होब मेट्रो रेल, सब पंचायत में गड़ब लक्ष्मी बस। ओडिशा बजेट अधिवेशन में राज्यर विभिन्न योजना एवं प्रकल्प विषय में आलोचना कर मान्यवर राज्यपाल निज भाषण में ट्विन सिटी भुवनेश्वर कटक रेल प्रकल्प विषय में सूचना देते। आसंता 2027 शेष सुधा राज्य में मेट्रो प्रकल्प शेष होब बोली से कहते। मोट 6,256 कोटी टंका व्यय मेट्रो रेल प्रकल्प योजना करपर राज्य में समस्त 30 जिलार मोट 6,798 पंचायत रु लक्ष्मी बस गढ़ा नहीं राज्यपाल सूचना देते। यह व्यतीत राज्यपाल निज अभिभाषण में राज्य में मुंडपिछा आय संपर्क मेंवरणी राज्य में वर्तमान मुंडपिछा आय बढ़ी राज्यपाल। मुख्यमंत्री को बड़ घोषणा, प्रति 5 वर्ष थे अनुषित हो विश्व ओडिया भाषा सम्मिलनी। उद्यापित हो प्रथम विश्व ओडिया भाषा सम्मिलनी। एहि अवसर में मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक घोषणा करिसेंति जे एहि सम्मिलनी प्रति 5 वर्ष थे अनुषित हो
ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱ ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀ ଆମର ଭାଷା ଇତିହାସରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ହୋଇ ରହିବ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଥରେ ଏକାଠି ହେବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ମତ ବିନିମୟ କରିବା। जरूरी सूचना फेब्रुआरी मासरे 11 दिन बंद रहिबो बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2024 वर्ष पई बैंक छुट्टी तालिका प्रकाश करिछि। आरबीआई रो ऑफिशियल वेबसाइट रे दिया जायतिबा सूचना अनुसार फेब्रुआरी मासरो 29 दिन मध्यरु बैंक 11 दिन पई छुट्टी रहिबो। तेनु समय थाउ थाउ बैंक सहित जड़ित थिबा काम को शेष करि दियंतु बोली आरबीआई पक्षरु सूचना दिया जायछि। भारतरो टार्गेट 2047, ओडिसारो टार्गेट 2034। विश्व भाषा सम्मेलन रे पांडियान को मत कहिले आसंता पांच वर्ष ओडिशा लेखिबो विकासर स्वर्णिम अध्याय। विश्व ओडिया भाषा सम्मेलन रे जोग देछंती 5T अध्यक्ष भीके पांडियान। 2036 रे ओडिशा नवदिगंतर संभावना उपरे आलोकपात करी पांडियान कहिछंती स्वाधीनता रो 100 वर्ष पूर्ति को दृष्टि रखी भारतर सर्वोत्तम विकास पई 2047 को टार्गेट रखा जायछि। भारतर स्वप्न कोन ओ विकसित भारत पई कोन करबा आवश्यक 2047 सुधा किबळी आको पूरा करा जाई पारिबो से दिगरे विभिन्न योजना ओ कार्यक्रम हाथ को निया जाउछि। किंतु ओडिसा रो टार्गेट हेउछि 2036। ओडिसा 2047 चाहे अपेक्षा करिवनी। 2036 सुधा ओडिसा रो विकास केउ स्तर रे पहुचि थिबो ताहा हमरो मुख्य प्राथमिकता। तबे 2036 रे ओडिसा को जे स्तर रे आमे देखिबा को चाहुचे ताहा को 2034 सुधा शेष करबा हमरो लक्ष्य। तेनु हमरो विकसित ओडिसा पई हम टार्गेट हेउछि 2034। तेणु हाथ में आउ मात्र 10 वर्ष समय रही समय सीमा मध्य ओडिशा को श्रेष्ठ भाव गढ़ी तोलिबा को हेबो। 6 लाख कोटी रे पहुंची एलआईसी रो मार्केट कैपिटल। प्रथम थर पर 1000 टंका अतिक्रम कला शेयर। सोमवार दिन देशर बृहत्तम बीमा कंपानी एलआईसी रो शेयर गुड़िक शानदार वृद्धि घटी देखा मिली। आज प्रथम थर पर एलआईसी शेयर 1000 टंका अतिक्रम कर बजार पुंजी 6 लाख कोटी टंका अतिक्रम कर कंपनी रो शेयर 8% रु अधिक वृद्धि पाइछे। 2026 फिफा विश्वकप पई क्रीड़ा सूची जारी। 2026 फिफा विश्वकप पई क्रीड़ा सूची जारी होइछे। मेक्सिको सिटी रे खेला जिवो उद्घाटनी मैच। 2026 जुलाई 19 रे न्यू जर्सी रे हेबो फाइनल। अमेरिका कनाडा मेक्सिको रे खेला जिवो एही टूर्नामेंट। तीन देशर 16 सहर रे खेला जिवो 104 मैच। टूर्नामेंट रे मोट 48 दल भाग नेबे बोली सूचना दिया जाइछे। भारतीय सेनारे सामिल हेबो जेट पैक सूट प्रस्तुत करिवो डीआरडीओ। भारतीय जवान को पई डीआरडीओ जेट पैक सूट प्रस्तुत करिवा को जाउछि। एहा को पिंदी जवान उड़ी पारिबा सहित ऑपरेशन करि पारिबे। आज पर्यंत केवल ब्रिटेन रही एक कंपनी एही प्रकार सूट प्रस्तुत करथिबा बेले आगामी किछि मासरे डीआरडीओ द्वारा एही जेट पैक सूट प्रस्तुत करिवा संभावना रहिछि। एहा परे सेना द्वारा एहार परीक्षण करा जिवो। सफल हेबा परे एहा को भारतीय सेनारे सामिल करा जिवो। आउ हेबनी प्रवेशिका परीक्षा रे अनियमितता। लोकसभा रे आगत होला नुआ बिल। यूपीएससी एसएससी भली नियुक्ति परीक्षा एवं नीट जेईई और सीयूईटी भली प्रवेशिका परीक्षा रे लीक अनियमितता तथा संगठित अनियमितता को रोकिबा पई केंद्र सरकार आज लोकसभा रे पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2024 को आगत करिछंती। केंद्र विज्ञान और प्रजुक्ति विद्या राष्ट्रमंत्री गृह रे एई बिल को आगत करिछंती। यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन स्टाफ सिलेक्शन कमिशन रेलवे बैंकिंग नियुक्ति परीक्षा एवं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा परिचालित समस्त कंप्यूटर भित्तिक परीक्षा को मध्य एई बिल अंतर्भुक्त करिवो। एही बिल रे फर्जी को रोकिबा पई सर्वनिम्न 3 रु 5 वर्ष कारादंड एवं एथिरे संप्रयुक्त व्यक्ति को 5 रु 10 वर्ष जेल दंड एवं सर्वनिम्न 1 कोटी टंका पर्यंत जरिमाना दंड रहिछे। फेब्रुआरी 7 रे भुवनेश्वर रे विशाल समावेश रो चेतावनी देले स्कूल शिक्षक। 21 तबा दाबी नै आसंता 7 तारीख रे भुवनेश्वर रे विशाल समावेश करबा को निष्पत्ति नै छंती राज्य रो प्राय 30,000 माध्यमिक विद्यालय रो शिक्षक। ओडिसा माध्यमिक विद्यालय शिक्षक संघ रो शिक्षक माने 3 थर बैठक करिबा सत्य मध्य राज्य सरकार सेमानक दाबी को अनदेखा करूथिबा नै सेमाने अभिजोग करिछंती। तेनु शिक्षक मानक पाखरे आंदोलन छडा अन्य कोनोसी विकल्प नाही बोली ओस्टार साधारण संपादक रंजन कुमार दास कहिछंती। विवाह ऋतु रे खसिला सुना और रूपा दर। वर्तमान विवाह ऋतु चलीथिबा बेले सुना और रूपा दर किछि मात्रा रे ग्राहक को आश्वस्ति प्रदान करिछि। घरोई बाजार रे आज सुना और रूपा मूल्य रे ह्रास परिलक्षित होइछि। आज भारतीय बाजार रे 22 कैरेट सुना 10 ग्राम प्रति 57,950 टंका रहिथिबा बेले
24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 63,220 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରମାନଙ୍କରେ ବି ସୁନା ଦରରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ରୂପା ଦର କିଲୋ ପ୍ରତି 75,200 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଓ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଯଥାକ୍ରମେ 57,950 ଟଙ୍କା ଓ 63,220 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ରୂପା ଦର କିଲୋ ପ୍ରତି 76,700 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କଲେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସୋମବାର ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟର ଏବଂ ପାମ୍ପଲେଟ୍ ସମେତ ପ୍ରଚାରରେ କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀରେ ପିଲାଙ୍କୁ କୌଣସି ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଦଳ ତଥା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପିଲାଙ୍କ ବ୍ୟବହାରକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ କହିଛନ୍ତି। ଜିତିଲେ ଆସ୍ଥା ଭୋଟ, ଚମ୍ପାଇ ସୋରେନ ହେଲେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସୋମବାର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଆସ୍ଥା ଭୋଟ ହୋଇଯାଇଛି। ନୂତନ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚମ୍ପାଇ ସୋରେନ ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାୟକମାନଙ୍କଠାରୁ ଆସ୍ଥା ଭୋଟ ହାତେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଆସ୍ଥା ଭୋଟରେ ସେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। 47 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ସେ ଜିତିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ସେହିପରି ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ମିଳିଛି ମାତ୍ର 29 ଭୋଟ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗାୟକ ହେଲେ ରୁକୁ ସୁନା। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ନିଜ ଗୀତ ପାଇଁ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ରୁକୁ ସୁନାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗାୟକ ଭାବେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍କଳ ମଣ୍ଡପଠାରେ ସଞ୍ଜୟ ମହାକୁଡ଼ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ଲାମର 77ର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆୱାର୍ଡ 2024ରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଡକ୍ଟର ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ନାଁରେ ନାମିତ ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଜନକ ତଥା ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟର ମହାନ ପ୍ରବକ୍ତା ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ନାଁରେ ନାମିତ ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରମୁଣ୍ଡାର ନବନିର୍ମିତ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାବା ସାହେବ ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟର ବଦଲା ନେଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ବିଶାଖାପାଟନାମରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ 106 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି, ଯାହାଫଳରେ ପାଞ୍ଚ ଟିକିଆ ସିରିଜ୍ରେ 0-1 ପଛୁଆ ଥିବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବେ 1-1 ବରାବର କରିଛି। ସେପଟେ 292 ରନ୍ରେ ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଇଂଲଣ୍ଡ ଟିମ୍। ତେବେ ଆଗାମୀ 15 ତାରିଖ ଦିନ ସୌରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଖେଳାଯିବ ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍।